देखिए काफी समय से सोशल मीडिया पर हल्ला मचा था कि केजब के यश भाई सलार फिल्म के पार्ट होंगे, यानी इनका केमियो किया गया है। तो भाई इस रूमर के ऊपर फाइनली सलार के प्रोड्यूसर विजय करिगुंदर अपना रिएक्शन दे दिए हैं। उनका बोलना है सलार में हम किसी का केमियो नहीं किए हैं, यश भाई का भी नहीं, क्योंकि प्रभास सर की फिल्म हिट होने के लिए किसी भी केमियो की जरूरत नहीं है, वो अकेला काफी है और इसलिए सलार का कोई लिंक नहीं होगा रॉकी भाई के केजब से। और हाँ, प्रभास की सलार केजब से 5 गुना ज्यादा बड़ी फिल्म है इस जॉनर में प्रोड्यूसर के अनुसार। वैसे भाई बुक माई शो पर प्रभास की सलार का 9,45,000 से ज्यादा इंटरेस्ट हो चुका है और शायद आज कुछ घंटे में ही सलार का 10 लाख भी इंटरेस्ट कंप्लीट हो जाए बुक माई शो पर। जबकि वहीं शाहरुख खान की डंकी फिल्म का आज 2,26,000 इंटरेस्ट हुआ है बुक माई शो पर। शायद डंकी का ज्यादा से ज्यादा 5 लाख तक इंटरेस्ट हो पाएगा और प्रभास की सलार का 20 लाख तक इंटरेस्ट होने वाला है 20 दिसंबर आते आते। बाकी भाई जल्द ही दोनों फिल्म सलार डंकी से उसके मेकर्स अपडेट भेजने वाले हैं ऑडियंस के लिए। देखिए फाइनली ऋतिक रोशन की फाइटर फिल्म का सॉन्ग आ चुका है शेर खुल गया के नाम से और इस सॉन्ग में मुझे ऋतिक रोशन और बाकी कास्टिंग का डांस अच्छा लगा है। लेकिन जो गाने के लिरिक्स में शेर खुल गया वर्ड है उसके जगह कुछ और वर्ड होता ना तब हर किसी को ये सॉन्ग बड़ा अच्छा लगता। आई थिंक आपको भी शेर खुल गया वर्ड उतना पसंद नहीं आया होगा इस गाने में। खैर कोई नहीं, काफी समय बाद ऋतिक रोशन का डांस हमें देखने को मौका मिला है इस शेर खुल गया सॉन्ग में। वैसे आपको कैसी लगी है शेर खुल गया गाना फाइटर फिल्म का हमें जरूर बताना कमेंट में। रोहित शेट्टी अपना वेब सीरीज यानी द इंडियन पुलिस फोर्स से एक बड़ा अपडेट भेजने वाले हैं। एक्चुअली में कल सिद्धार्थ मल्होत्रा की वेब सीरीज का टीजर रिलीज होगा। वैसे इंडियन पुलिस फोर्स में सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबेरॉय भी होंगे और ये 8 एपिसोड का एक सीजन है जिसका पहला एपिसोड 19 जनवरी को अमेजन प्राइम पर रिलीज होगा अगले साल। तो देखा जाए इस टीजर में क्या क्या होता है इंडियन पुलिस फोर्स सीरीज की। तो जैसे कि आप जानते हैं धनुष सर अपनी D50 फिल्म का शूटिंग में बिजी थे पिछले 3-4 महीने से एज एक्टर और डायरेक्टर भी। तो भाई कल इस फिल्म का शूटिंग धनुष सर पूरा खत्म कर दिए हैं। वैसे इस फिल्म को प्रोड्यूस जेलर वाली सन पिक्चर कंपनी किया है और बाकी फिल्म का अब प्री प्रोडक्शन वाला काम करेंगे धनुष सर। और ये D50 फिल्म अगले साल के बिगनिंग में रिलीज होगा कैप्टन मिलर के बाद। खैर अब जल्द ही धनुष सर अपने कैप्टन मिलर का ट्रेलर का भी रिलीज डेट रिवील कर देंगे। देखिए कल अक्षय कुमार की वेलकम टू द जंगल फिल्म के शूटिंग सेट पर एक बड़ा हादसा हो गया है। एक्चुअली में फिल्म का एक्टर सुरेश तलपड़े फिल्म का शूटिंग कर रहे थे अक्षय कुमार के साथ और अचानक से कल 14 दिसंबर को इनको हार्ट अटैक आ गया फिल्म के शूटिंग सेट पर ही और उसके बाद इमरजेंसी में मुंबई के हॉस्पिटल में इनको एडमिट करना पड़ गया। वैसे इनका उम्र 47 साल है और अभी ये थोड़े ठीक हो गए हॉस्पिटल में सर्जरी के बाद, बट अभी ये शूटिंग करने के हालत में नहीं है। उम्मीद किया जाए जल्दी से सुरेश तलपड़े पूरी तरह से ठीक हो जाए और फिर से वेलकम टू द जंगल फिल्म का शूटिंग चालू कर दें। एनिमल के बॉबी देओल कल खुद मीडिया में कंफर्म कर दिए हैं वो सूर्या की कनगुआ फिल्म के पार्ट है और इस फिल्म में भी वो विलेन के कैरेक्टर प्ले किए हैं। वैसे कनगुआ का पूरा शूटिंग शायद खत्म हो चुका होगा और अगले महीने डायरेक्टर शिवा एक और टीजर रिलीज करने का प्लान किए हैं कनगुआ फिल्म से। खैर अभी बॉबी देओल का हाइप काफी ज्यादा हो चुका है, कनगुआ वालों को इसी समय ही इनका लुक रिवील कर देना चाहिए फिल्म से, जिसके बाद तो भाई सूर्या की कनगुआ फिल्म का भी हाइप एकदम आसमान छू जाएगा हिंदी बेल्ट में भी अगर इस समय बॉबी देओल का कैरेक्टर से कुछ अपडेट आ गया तो। आपको क्या लगता है अभी बॉबी देओल को रिवील करने से कनगुआ मेकर्स के लिए बेनिफिट होगा या नहीं? देखिए फिर से धर्मा प्रोडक्शन के करण जौहर 2 स्टार किड को लॉन्च करने जा रहे हैं अपनी अगली फिल्म से जिसे वो OTT के लिए बनाएंगे और इस फिल्म में सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान और दूसरे आर्चियस वाली खुशी कपूर होंगी। भाई इस लड़की ने आर्चियस में इतना गंदा परफॉर्मेंस दिया है और तब भी इसको करण जौहर के साथ अगला फिल्म में काम करने का मौका मिल गया है। वाह भाई क्या बॉलीवुड है हमारा, लगता है करण जौहर ठेका ले लिया है। जितना भी घटिया स्टार किड है सबको लॉन्च करना है इनको और आउटसाइडर को करण जौहर बॉयकॉट करने का काम करेंगे फिल्म इंडस्ट्री से। अब चलिए बॉक्स ऑफिस पर आ जाते हैं।
जहां तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे रणबीर कपूर के एनिमल से। देखिए एनिमल ने जहां बुधवार के दिन 10 करोड़ कलेक्शन किया था, तो वहीं एनिमल का गुरुवार के दिन 9 करोड़ कलेक्शन हुआ है बॉक्स ऑफिस पर, जिसमें से हिंदी बेल्ट में एनिमल ने 8 करोड़ 70 लाख रुपए कलेक्शन किया है, तो बाकी 30 लाख रुपया एनिमल ने साउथ मार्केट से कलेक्शन किया है। और इसी के साथ एनिमल का भारत में टोटल कलेक्शन अब तक 14 दिन में 476 करोड़ 85 लाख रुपया हो चुका है। और वर्सेज मिलाकर रणबीर कपूर के एनिमल ने 784 करोड़ 45 लाख रुपया कलेक्शन किया है पूरी दुनिया के मार्केट में। भाई लगता है रणबीर कपूर की एनिमल फिल्म 1000 करोड़ तक कलेक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये शुरू में पठान के बराबर कलेक्शन कर रहा था, लेकिन तीसरे सप्ताह में इसका कलेक्शन एकदम कम हो चुका है और अब सलार डंकी एनिमल को 100 करोड़ भी कमाना मुश्किल कर देंगे बॉक्स ऑफिस पर आने वाले कुछ दिनों में। तो देखा जाए आगे रणबीर कपूर की एनिमल फिल्म के साथ क्या होता है बॉक्स ऑफिस पर। अब चले एनिमल के बाद विकी कौशल की सैम बहादुर पर आ जाते हैं। देखिए सैम बहादुर ने जहां बुधवार के दिन इंडिया में 2 करोड़ 30 लाख रुपया कलेक्शन किया था, तो वहीं कल गुरुवार के दिन 1 करोड़ 65 लाख रुपया सैम बहादुर का कलेक्शन हुआ पूरे इंडिया में। और इसी के साथ विकी कौशल के सैम बहादुर का भारत में टोटल कलेक्शन अब तक 14 दिन में 64 करोड़ 60 लाख रुपया हो चुका है। और वर्सेज मिलाकर सैम बहादुर ने 90 करोड़ कमाई की है पूरी दुनिया के मार्केट में। बाकी भाई इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप ऐसी और अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा। तब तक आप सभी को अलविदा।